फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने W इक्वल टू साइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया था, तो उसमें हमने Y का एलिमिनेशन किया था जहां पे हाइपरबोला की इमेजेस मिल रही थी। तो आज की वीडियो में हम X का एलिमिनेशन लेंगे जहां हमें एलिप्स की इमेजेस मिलेंगे। तो फिर बिना देर किए चलते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस किया था W इज इक्वल टू साइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें हमने एक केस वहां पे लिया था जहां हमने वहां पे एलिमिनेट किया था Y को, ठीक है। अब हम यहाँ पे X को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था W इज इक्वल टू साइन जेड, U और V की वैल्यूज हमने लिखी है, डायरेक्टली लिख ली है। तो इससे इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू और वी के हमने वैल्यूज डायरेक्टली यहां से लिख ली है, ठीक है। नाउ एलिमिनेटिंग एक्स फ्रॉम 2 एंड 3, व्हाट वी गेट, सिंस यू अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाइज साइन एक्स एंड वी अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाइज इक्वल टू कॉस एक्स। सो वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यूज हमने लिखी, स्क्वायर करके एड किया, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला, ठीक है। ये इक्वेशन देखते हैं किसकी इक्वेशन है। तो उससे पहले हम यहाँ पे वाई पे कंडीशन ले लेते हैं। सो लेट वाई इज इक्वल टू सी विच इज अ कॉन्स्टेंट इन जेड प्लेन, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन किसका है, विच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद द वर्टिसेस प्लस माइनस एच कॉस हाइपरबोलिक सी कॉमा 0 ऑफ यू एक्सिस एंड 0 कॉमा प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक सी ऑफ वी एक्सिस एंड विद अ फोकस प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड आपका एलिप्स का इक्वेशन होता है यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा जो वर्टिसेस है वो कैसे निकली है और फोकस आपका इसका कैसे निकला है। तो सीधी सी ये जो बात समझाने वाली है वो क्या है, जो वाई इज इक्वल टू सी आपका लाइन है वो किस पे मैप हो रहा है, इस एलिप्स पर मैप हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिगर से हम समझते हैं। तो फिगर देखिए, इसका Z प्लेन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू सी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू सी का आपका ये लाइन है, ओके, दिस इज आवर Z प्लेन। तो W प्लेन में हमें क्या मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक इलिप्स मिल रहा है जिसके जो वर्टिसेस है u एक्सिस के वो क्या है, माइनस कॉस एच सी कॉमा 0 एंड प्लस कॉस एच हाइपरबोलिक सी कॉमा 0। सिमिलरली आपको जो इसके वर्टिसेस मिल रहे हैं वी एक्सिस पर वो क्या मिल रहा है, 0 प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक सी, ठीक है। और इसका जो फोकस मिल रहा है वो क्या है, माइनस 1 कॉमा 0 एंड 1 कॉमा 0। सो मींस जो वाई इज इक्वल टू सी है इन जेड प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू साइन जेड कहां मैप हो रहा है, इस इलिप्स पर मैप हो रहा है जिसकी इक्वेशन हमारी क्या है, यू स्क्वायर अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर c प्लस वी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर c इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर भी आपकी ध्यान देने वाली बात है, जो डिनोमिनेटर्स हैं कोस हाइपरबोलिक c और साइन हाइपरबोलिक c ये नॉन जीरो होंगे, तो उसी केस में आपका ये एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो अब हम आगे एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द रेक्टेंगल इन जेड प्लेन, दिस वन एक्सिस लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 एंड y इज लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू साइन जेड, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर रीजन हमें गिवन है जेड प्लेन का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग W प्लेन में क्या इमेज आ रही है वो हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जेड प्लेन का फिगर ड्रॉ किया है। सो ये देखिए, जेड प्लेन है, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, ठीक है। सो इसमें x जो है हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन ड्रॉ की, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की लाइन ड्रॉ की, y हमारा माइनस 1 से प्लस 1, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 1 की लाइन है, ये y इज इक्वल टू प्लस 1 की। तो इन चारों लाइन से जो रीजन आपका बाउंड हो रहा है, दिस रेक्टेंगुलर रीजन, ये आपका जेड प्लेन का रीजन गिवन है। अब हमें बताना है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू साइन जेड, उसके करस्पॉन्डिंग ये रीजन आपका W प्लेन में कहां मैप हो रहा है, ठीक है। तो इस रीजन को स्टडी करने के लिए, इसकी इमेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इसकी जो हमने इसके नाम दे दिया ABCD इस रेक्टेंगुलर रीजन को, तो हम सबसे पहले AB स्ट्रिप लेंगे, फिर हम CD, फिर उसके बाद DA एंड BC, फिर उसके बाद बताएंगे कि उसका इनसाइड रीजन कहां मैप हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा
अलोंग ए बी, ठीक है। तो ए बी के अलोंग देखो आप, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है, ठीक है, और वाई क्या है, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। वाई इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, ओके। यू और वी की वैल्यूज हमारी ये थी। तो यहां से x हमारा पाई बाई टू है, तो साइन पाई बाई टू वन हो गया, तो u इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y, और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई, जीरो, ठीक है। v की वैल्यू तो जीरो आ गई। अब u की वैल्यू देखते हैं कहां से कहां वैरी कर रही है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे माइनस वन से वन के बीच में है। तो अब इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, y की वैल्यूज को माइनस वन से जीरो एंड जीरो से प्लस वन, ठीक है। तो माइनस वन से जीरो के केस में देखिए, u इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y वैरी करेगा कहां से, फ्रॉम कॉस हाइपरबोलिक वन टू वन, ठीक है। दैट मीन्स u इज लाइज बिटवीन कॉस हाइपरबोलिक वन टू वन। ये कैसे हुआ देखिए आप, यहां पे u कॉस हाइपरबोलिक y है, तो y की वैल्यू जब माइनस वन होगी तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक माइनस वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वन, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये जीरो पे पहुंचेगा तो कॉस हाइपरबोलिक जीरो क्या होगा, वन। दैट मीन्स जो यू की वैल्यू है वो कॉस हाइपरबोलिक वन से वन पर जा रही है, जब हमारा वाई माइनस वन से जीरो पर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा वाई जीरो से वन के बीच में जा रहा है, देन यू इज इक्वल टू कॉस एच वाई वेरीज फ्रॉम वन टू कॉस हाइपरबोलिक वन। ये कैसे हुआ, मतलब u हमारा कहां से कहां वेरी करेगा, वन से cos हाइपरबोलिक वन। ये अगेन देखिए आपका जीरो पे cos हाइपरबोलिक जीरो, u इज इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। इस तरीके से cos हाइपरबोलिक वन, y इज इक्वल टू वन पे cos हाइपरबोलिक वन मिलेगा हमें u, ठीक है। दैट मीन्स जीरो से वन के बीच में ये जा रहा है u, वन से cos हाइपरबोलिक वन। तो अब देखो यहां से फिगर से हम समझाते हैं इसको, v तो हमें जीरो मिल रहा है और u की वैल्यू जो है वो कैसे मिल रही है, कॉस हाइपरबोलिक वन से वन पे जा रहा है, और उसके बाद अगेन वन से कॉस हाइपरबोलिक वन पे जा रहा है, ठीक है। इसको हम फिगर से देखते हैं। सो फिगर हम देख रहे हैं इसका, हमारा एक्स क्या था पाई बाई टू, और वाई जो है माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ए बी हमारा पॉइंट है, वाई इज इक्वल टू वन का लाइन माइनस वन, वाई इज इक्वल टू वन का लाइन है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, ए बी लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जेड प्लेन का फिगर है। तो अब यहां से हम डब्ल्यू प्लेन में आते हैं, तो जो वी मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है, और u जो है वेरीज फ्रॉम cos हाइपरबोलिक 1 टू 1 एंड अगेन 1 टू cos हाइपरबोलिक 1। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहां से ये जो यहां पे ये पॉइंट है cos हाइपरबोलिक 1 कॉमा 0, तो यहां से हम पहले जाएंगे 1 कॉमा 0 पे, और फिर 1 कॉमा 0 से अगेन कहां जा रहा है, ये cos हाइपरबोलिक 1 से 1 कॉमा 0 पे जा रहा है। दैट मीन्स ये लाइन हमें दो बार मिल रही है, ठीक है, एक कट मिल रहा है हमें, ठीक है। यहां पे इसको हम कट क्यों बोल रहे हैं, जब हम इसका पूरा फिगर बनाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अलोंग सीडी, ठीक है। तो सीडी में सीडी का अलोंग हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड वाई इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है। सो यू हमारा हो जाएगा इस केस में माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि साइन एक्स था उसके साथ, साइन माइनस पाई बाई टू इज माइनस वन, तो ये माइनस वन यहां पे आ गया आगे। और वी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स इन्वॉल्व है वी में, तो कॉस पाई बाई टू इज जीरो, ठीक है, माइनस पाई बाई टू इज जीरो। तो v तो जीरो हो गया और u की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक y। तो वही y पे जो हमारी वैल्यूज है माइनस वन से वन के बीच में, तो u की वैल्यूज देखते हैं कहां से कहां जा रही है, ठीक है। तो इसमें अगेन हमने when y इज लाइज बिटवीन माइनस वन टू जीरो, देन u इज इक्वल टू माइनस कॉस हाइपरबोलिक y वेरीज फ्रॉम माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन टू माइनस वन, ठीक है। जब यहां पे आप रखोगे y माइनस वन, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक माइनस वन, अगेन कॉस हाइपरबोलिक वन हो जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन टू। और जब हम यहां पे रखेंगे जीरो, तो कॉस हाइपरबोलिक जीरो तो वो वन हो गया, तो दैट मीन्स माइनस वन। तो माइनस वन से जीरो जब जा रहा है, तो यू की वैल्यू माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से माइनस वन पे जा रही है। अगेन जब जीरो से वन पे हमारा वाई जा रहा है, ठीक है, वाई इज लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो u हमारा कहां कहां वेरी कर रहा है, माइनस वन से कॉस हाइपरबोलिक वन। तो आप देखोगे अगेन यहां पे हमें कट मिलेगा, क्योंकि वैल्यूज जो है वो पहले माइनस कॉस हाइपरबोलिक से वन जा रही है, और फिर अगेन माइनस वन से कॉस हाइपरबोलिक वन जा रही है, ठीक है। तो इसका फिगर हम देखते हैं, ये हमारा जेड प्लेन है, y इज इक्वल टू वन का लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस वन का लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू का लाइन है। तो cd हमारा ये है, ये लाइन, ठीक है, ये हम इसका इमेज देख रहे हैं w प्लेन के अंदर, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपका माइनस वन कॉमा जीरो, ये पॉइंट है आपका माइनस कोस हाइपरबोलिक वन कॉमा जीरो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब माइनस वन से जीरो है तो माइनस कोस हाइपरबोलिक वन से वन पे जा रहा है, और फिर माइनस वन से अगेन कोस हाइपरबोलिक वन पे आ रहा है, जब वाई हमारा जीरो से
वन पे जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन है हमारी माइनस कोस हाइपरबोलिक वन से माइनस वन, तो ये हमें दो बार मिल रही है, तो अगेन यहां पे हमें कट मिल रहा है, ठीक है। अगेन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अलोंग एडी, ठीक है। तो एडी हमारा क्या है, एक्सिस लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू और वाई इज इक्वल टू वन, ओके। सो यू और वी की वैल्यूज हमने यहां पे लिखी है, इसमें वाई हमने वन सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो यू इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वन, वी इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वन, तो इसको फाइव और सिक्स हमने दिया है। नाउ यहां से हम एक्स इलिमिनेट करें तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वन इज इक्वल टू वन, इसे इक्वेशन हमारा हमने सेवन दिया है। तो ये दिख रहा है आपको एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, जैसे हमने पहले स्टडी किया था। तो देखते हैं लेकिन एलिप्स का कौन सा पार्ट हमें मिल रहा है, जो कि हमें एक्स पे जो कंडीशन है वहां से समझ में आएगा। तो एक्स पे क्या कंडीशन गिवन है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो u की वैल्यू देखें हम, u हमारा क्या है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वन है, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक कॉन्स्टेंट हो गया साइन एक्स, एक्स हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो साइन एक्स कहां वैरी करेगा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैरी करेगा। तो u कहां से कहां वैरी करेगा, माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से कॉस हाइपरबोलिक वन में वैरी करेगा, ठीक है। फिर हम v देखते हैं, v हमारा क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वन, ठीक है। तो अब कॉस एक्स पे वैल्यू, एक्स हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो कॉस एक्स जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है इस केस में, तो दैट मीन्स वी हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और यू हमारा क्या है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से कॉस हाइपरबोलिक वन पे वन के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सेवन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर पोर्शन ऑफ द इलिप्स, जो इलिप्स है उसका अपर पार्ट जो है ये उस पर मैप हो रहा है, ओके। इसका फिगर हम देखते हैं, तो अब हम एडी के अलोंग रीजन देख रहे हैं जेड प्लेन में, तो हमारा रीजन है एक्स जो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहा है और वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये एडी है हमारा, ये एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू का लाइन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू का लाइन है, ये वाई इज इक्वल टू वन का लाइन है, यानी कि इस लाइन की हम बात कर रहे हैं कि ये लाइन जो है वो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड कहां मैप हो रही है, ठीक है। सो डब्ल्यू प्लेन में हम आ जाते हैं, तो हमने कंडीशन निकाली यहाँ पे, वी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। पर जो इसकी कंडीशन है, वी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, पर हमें इलिप्स मिल रहा है, तो इसका जो ये वर्टेक्स है कहां कट कर रहा है, साइन है हाइपरबोलिक वन पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये वी की कंडीशंस है, वी जो है जीरो से साइन हाइपरबोलिक वन तक है, ठीक है। और यू में हमें मिला था माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से कॉस हाइपरबोलिक वन, ठीक है। दैट मीन्स हमें अपर पोर्शन मिल रहा है इलिप्स का, जो जिसमें यू तो जो है माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से कॉस हाइपरबोलिक वन तक वेरी कर रहा है, और जो वी है हमारा जीरो से साइन हाइपरबोलिक वन तक वेरी कर रहा है। दैट मीन्स ये लाइन हमारे इस अपर पोर्शन पर मैप कर रही है, ओके। सिमिलरली अलोंग बी सी इन विच एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, तो हमें क्या मिल जाएगा उस केस में, पहले ये हम देख लें यहाँ पे जेड प्लेन में इसका क्या फिगर है। ये सी बी है हमारा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो ये लाइन आपका है जेड प्लेन में, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हमें मिलेगा लोअर पोर्शन ऑफ द इलिप्स पे, ठीक है। इसमें यू जो है आपका वही माइनस कॉस हाइपरबोलिक वन से कॉस हाइपरबोलिक वन पे वेरी करेगा, और वी जो है हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कहां तक रहेगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक वन तक रहेगा, ठीक है। तो हमने लिखा है दैट इज ये जो रीजन है इन जेड प्लेन मैप्स टू द लोअर पोर्शन ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है। ये हमने समझाया नहीं क्योंकि प्रीवियस केस की तरह आप यू और वी की कंडीशन वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारा जेड प्लेन का रीजन था, ये y इक्वल टू वन, y माइनस वन, y इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, तो उसका इनसाइड रीजन, ठीक है, वो कहां मैप हो रहा है वो ध्यान से देखिए आप। तो अभी हमने बाउंड्रीज देखी, ठीक है, तो ये पूरा इलिप्स आपको मिल रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है वो दो बार, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक वन से वन पे जा रहे हैं, फिर वन से अगेन कॉस हाइपरबोलिक वन पे है, तो ये कट मिल रहा है किस इलिप्स में, इसलिए हमने इस लाइन को क्या बोला, कट बोला, ठीक है। सिमिलरली यहां से इस नेगेटिव यू एक्सिस पे भी हमें ये कट मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी बाउंड्रीज जो है वो इस बाउंड्री पे बाउंड्री ऑफ द इलिप्स पे मैप कर रही है विद दिस कट, ठीक है। और इसके जो इनसाइड का रीजन है वो कहां मैप करेगा, दिस इनसाइड ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो ये जेड प्लेन आपका कहां मैप हो रहा है, इस इलिप्स पर मैप हो रहा है इन द डब्ल्यू प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड, ओके।
तो आज हमने देखा ये अभी W इज इक्वल टू साइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसका एक पार्ट हमने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा था और एक पार्ट अभी हमने इस वीडियो में देखा है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू कॉस जेड, इसकी स्टडी भी हम सिमिलर टू साइन जेड के हेल्प से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ जेड प्लस पाई बाई टू, ठीक है, तो वो हमारा कॉस जेड होता है। तो ये जो cos z है वो दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, एक हम कंसिडर कर ले साइन w इज इक्वल टू साइन z, वेयर कैपिटल z इज इक्वल टू z प्लस पाई बाई टू, ये हमने कैपिटल z लिया है और z इज इक्वल टू z प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस का हम कॉम्पोजिशन लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा साइन ऑफ z प्लस पाई बाई टू विच इज इक्वल टू cos z, ठीक है। तो दैट मीन्स जो इमेजेस है ऑफ द रीजन w इज इक्वल टू cos z वो हमें मिल जाएंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ विद हेल्प ऑफ w इज इक्वल टू साइन z, ओके। तो दोस्तों ये आज हमारा कवर हो गया पूरा ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू साइन जेड। आई होप आपको ये दोनों वीडियोस जो है वो क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।